हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों कैसे हो? तो बच्चों, अगर अपन बात करें तो अपनी जो प्रीवियस क्लास हुई थी, उस प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि आपका एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आज की जो अपनी क्लास है वो अपन निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्विटोरियल लाइन। यानी आपको क्या देखना है कि अगर किसी डाइपोल की इक्विटोरियल पोजीशन पे अगर अपन कोई पॉइंट ले तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो देखेंगे। तो उसके लिए आपके पास ये फिगर है, पहले मैं इस फिगर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस फिगर में आपके पास जो ए बी है, उस ए बी को नाम देते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपके पास ए पॉइंट है, उस पे तो आपका माइनस क्यू चार्ज है। बी पॉइंट है, उस पे आपका क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। इस तरीके से ये माइनस क्यू और प्लस क्यू मिलके क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं। टू ए है वो आपके पास लेंथ ऑफ डाइपोल। तो ये आपके पास 2a का मीनिंग हो गया। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो O आपका क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे अगर आप देखोगे तो ये AO है वो आपके पास A हो जाएगी, OB है वो भी A हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि ये आपका सेंटर पॉइंट है, तो ये सेंटर पॉइंट है, तो टोटल अगर 2a है तो ये हाफ हाफ होके क्या हो गई, AA हो गई। अब अपना क्या है कि ये जो OP लाइन है, ये OP लाइन आपके पास कैसी लाइन है, ये कि इक्विटोरियल लाइन है। तो आप यहां से कह सकते हो कि जो OP है ये आपकी हो गई इक्विटोरियल लाइन। ये आपको पढ़ाया जा चुका जो पहले क्लास हुई थी उसमें, कि आपके पास एक्सियल लाइन से परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन को क्या नाम दे देते हैं अपन, इक्विटोरियल लाइन दे देते हैं। अब इस पे आपका ये कोई पॉइंट P है जिस पे अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करनी है। अब ये P पॉइंट है वो इस O पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो कि इंट्रेंगल कौन सा बन रहा है, AOB। इसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास OP का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया AO का स्क्वायर प्लस OP का AP का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपके पास AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, जिसको आप x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हो। और कंबाइंड में आपके पास AP इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। और यही आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, BP के इक्वल हो गई। यानी आप यहां से अगर देखोगे तो इस माइनस क्यू चार्ज की पी से जो डिस्टेंस है या प्लस क्यू चार्ज की पी से जो डिस्टेंस है वो सेम है, और वो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अब अगर आप देखोगे तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, तो अगर आप डायपोल की डायरेक्शन देखना चाहोगे तो आपको पता है कि डायपोल मोमेंट है वो आपका माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। तो आपका इस डायरेक्शन में आपका क्या हो गया, पी के हो गया। डायपोल मोमेंट निकालना चाहोगे तो अपन जानते हैं q इंटू टू ए तो मैग्नीट्यूड होता है और p के उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो p वेक्टर को कंबाइंड में लिख सकते हो q इंटू टू ए पी के। तो बच्चों यहां तक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला आपका है ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। टू ए क्या है कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, जिसको आप लेंथ ऑफ डायपोल भी नाम दे सकते हो। ओ आपका डायपोल का सेंटर पॉइंट है। अब इसी फिगर से अपने देखा कि P पॉइंट लिया गया जो इक्विटोरियल लाइन पे है, जो सेंटर से x डिस्टेंस पे है, ये x है, ये O है, सॉरी A है। तो इससे अपन ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं या ये वाली डिस्टेंस। तो ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें अपन ने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करना है। और वो कैलकुलेट करने के लिए अपन को देखना पड़ेगा कि ये माइनस क्यू चार्ज तो किधर प्रोड्यूस करेगा और प्लस क्यू चार्ज किधर प्रोड्यूस करेगा। तो आप लिख सकते हो एट पॉइंट पी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो पहले तो देखो आपका प्लस क्यू चार्ज कहाँ है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये आपके पास ये पॉइंट है, तो आप लिखोगे E1 इक्वल टू। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं कि पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है वो होता है आपका KQ/R² RK। इसी फॉर्मूले से देखोगे तो K Q और इस प्लस क्यू चार्ज की P से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, BP है, और इस BP को कंबाइंड में अपन लिख सकते हैं X² + A² की पावर 1/2, और इसका अपन को क्या करना है, स्क्वायर करना है। और डायरेक्शन देखोगे तो अपन पढ़ चुके हैं कि प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम दी चार्ज होता है, तो इस प्लस क्यू से इस पी पॉइंट पे डायरेक्शन देखेंगे तो ये आ जाएगी, तो आप लिख सकते हो BP डायरेक्शन या अलोंग दी BP, अलोंग BP। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपन ने ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाया जिससे अपन ने E1 कैलकुलेट कर लिया। ऐसे आप लिखोगे 8 पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -Q चार्ज। तो अब देखो आपका -Q चार्ज का है ये रहा और P आपके पास ये है, तो इससे अगर आप देखोगे तो मैं इसको E2 से डिनोट करूं तो E2 = KQ/X² + A² की पावर 1/2 और इसका अपन पास होल स्क्वायर हो गया। अब आप देखोगे -Q पर ये पॉइंट है और आपको पढ़ाया गया है कि -Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टूवर्ड्स दी चार्ज होता है, और टूवर्ड्स दी चार्ज होगा तो आप लिखोगे अलोंग PA। यहाँ पे भी आपका ये सेम फॉर्मूला लगाया गया कि पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो KQ/R² RK होता है, और उसी फॉर्मूले से आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों आपके पास फिगर बनाया, फिगर में अपन ने डिनोट किया कौन सी क्वांटिटी कैसे है आपके पास, और डिनोट करने के बाद में अपन को पता चला कि प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड तो BP लाइन के अलोंग है और -Q का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके अलोंग है आपके पास, PA लाइन के अलोंग। अब अगर आप देखोगे तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका सिमिलर होने के कारण ये वाला ट्रायंगल भी क्या हो गया, एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया, कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, कौन से एंगल हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये अपन ने डिनोट कर दिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट कर दिया। अब अगर इन दोनों को स्टडी करें तो आप देख सकते हो कि E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है E2 के मैग्नीट्यूड के, और दोनों की जो वैल्यू है वो आपके पास KQ X² + A² के इक्वल निकल कर आ रही है आपके पास। देखो इन दोनों को, इनका ये मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन दोनों की क्या है आपके पास, डिफरेंट। तब इन दोनों डायरेक्शन को अपन क्या करते हैं, एक तो एक्सियल लाइन के अलोंग डिजोल्व करते हैं और एक इक्विटोरियल लाइन के अलोंग डिजोल्व करते हैं। तो मैंने इस E1 इलेक्ट्रिक फील्ड को जब एक्सियल लाइन के अलोंग डिजोल्व किया या कंपोनेंट्स में ब्रेक किया तो आप देखोगे कि इस E1 का एक्सियल लाइन के अलोंग ये वाला जो कंपोनेंट है इसको लिख सकते हैं E1 cos थीटा। पता है आपका जिसके साथ एंगल बनता है वो कोस का कंपोनेंट होता है। ऐसे इस E1 का इस लाइन के अलोंग अगर कंपोनेंट लेंगे तो ये वाला कंपोनेंट निकल कर आएगा आपका E1 sin थीटा। किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कंपोनेंट्स लेने में, अगर किसी बच्चे को कंपोनेंट्स लेने नहीं आते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन हो उन पे आप डिस्कस कर सकते हो, कंपोनेंट्स लेना भी सिखा देंगे आपको। सेकेंड इस E2 का इस एक्सियल लाइन के अलोंग कंपोनेंट देखेंगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो आ गया E2 cos थीटा, और इस लाइन के अलोंग है तो आपका ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और ये आपके पास आया E2 sin थीटा। तो बच्चों आपने क्या किया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आए थे आपके कौन सी, BP लाइन और PA लाइन के अलोंग,
इनको आपने एक तो एक्सियल लाइन, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन, और एक इक्विटोरियल लाइन एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, उनके अलोन क्या करती है, ब्रेक की है। तो ब्रेक किए तो आपने देखे ये वाले कंपोनेंट तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल आउट हो गए, और ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होने के कारण एड अप हो गए। क्योंकि अपन को पता है कि E1 और E2 की अगर आप बात करोगे तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, और डायरेक्शन यहाँ साइन थीटा और साइन थीटा के साथ है, तब आपके पास अपोजिट है। तो आप कह सकते हो कि E1 एंड E2 को जब एक्सियल और इक्विटोरियल लाइन के अलोंग अपन ने क्या किए, कंपोनेंट्स में तोड़े, तो इक्विटोरियल कंपोनेंट्स कौन से हैं, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा कैंसिल हो गए क्योंकि इक्वल है अपोजिट है। एक्सियल कंपोनेंट है वो आपका E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ध्यान रखना। इक्विटोरियल कंपोनेंट कौन से हैं, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। एक्सियल कंपोनेंट कौन से, E2 cos थीटा एंड E1 cos थीटा। ये सेम डायरेक्शन में होने के कारण एड हो गए, ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तब आप अगर लिखोगे तो इक्विटोरियल इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और डायरेक्शन को देखोगे तो देखो पी केप आपका इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ पी केप। दोबारा समझना बच्चों कि ये आपका पी केप तो इस डायरेक्शन में माइनस क्यू से प्लस क्यू, जबकि आपका E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो P के अपोजिट है। अब अपन ने पढ़ा कि E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है E2 के मैग्नीट्यूड के, और ये दोनों है KQ अपॉन में x² + a²। ऐसे ही अगर इस डायग्राम से cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और इस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस के फॉर्मूले से देखें तो बेस तो a है और हाइपोटेनियस ही है, तो आप इसको लिख सकते हो a अपॉन में x² + a² की पावर 1/2। कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहां तक। अब आप यहां से लिख सकते हो e इक्विटोरियल इज इक्वल्स टू, ये 1 और 1 मिलके कितने हो गए 2, तो आप इसको कमांड में ऐसे भी लिख सकते हो 2E1 cos थीटा माइनस का पी के। यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो 2E1 की जगह अपने वैल्यू पुट की KQ अपॉन में x² + a² की पावर 1/2 इंटू a अपॉन में x² + a² की पावर 1/2, और डायरेक्शन हो गई माइनस का पी के। इनको कंबाइन करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो KQ इंटू 2a, और ये पावर 1 है, ये 1/2 है, एड होके पावर हो गई x² + a² की पावर 3/2, और ये आपके पास आ गया e इक्विटोरियल, और ये डायरेक्शन हो गई माइनस का पी के। किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप देखोगे तो यहां से क्यू इंटू 2a इंटू माइनस पी के, इसको लिख सकते हो पी का मैग्नीट्यूड और माइनस पी के, और ये आपका माइनस पी वेक्टर के इक्वल हो गया। देखो यहां पे पी इज इक्वल टू लिखा क्यू इंटू 2a पी के, यहां से आपके पास अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस पूरे की जगह आप माइनस पी वेक्टर लिख सकते हो। तो यहां से आपके पास ई इक्विटोरियल जो है वो ये निकल कर आया माइनस के पी अपॉन में x² + a² की पावर 3/2, यानी कि ये आपका इक्विटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया फॉर लॉन्ग डाइपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्विटोरियल लाइन
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल या लॉन्ग इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, क्या किया आपने, ये लाइन लिखी, लाइन से पता चला साइन वाले कंपोनेंट अपोजिट होने के कारण कैंसिल हो गए और केवल कोस कंपोनेंट ऐड होके आपके पास ही आए। जहां अपन ने E1 और E2 का मैग्नीट्यूड रखा, कोस थीटा की वैल्यू रखी। ये लाइन याद रखना कि क्यू इंटू टू ए माइनस पी के किसके इक्वल है, माइनस पी वेक्टर के इक्वल है, जिसको अपन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का नाम भी दे देते हैं। कंडीशन लगती है इफ डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल है वो कैसा है, शॉर्ट, और शॉर्ट का मीनिंग है एक्स की जो वैल्यू है वो ए के कंपैरिजन में अगर बहुत लार्ज हो, तो आप ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो ई इक्विटोरियल इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया और यहां से आपके पास निकल कर आया ई इक्विटोरियल इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन में एक्स क्यूब। और यहां अगर आप देखोगे तो कह सकते हो कि एट इक्विटोरियल पोजीशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग आपके पास ये हुआ कि अगर आपका पी आपका इधर है, कौन सी, उस डायरेक्शन में, तो आपका ई इक्विटोरियल है वो आपको इसकी डायरेक्शन के अपोजिट मिलेगा। अगर आपने यही ये ड्रॉ किया कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पी वेक्टर की इधर है, तो आपका ई इक्विटोरियल है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। ऐसे अगर आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को अपवर्ड अगर रिप्रेजेंट किया डायरेक्शन में, तो इक्विटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आपका इसके अपोजिट आएगा। या फोर्थ में आप ये कह सकते हो कि अगर डायपोल मोमेंट पी वेक्टर डाउनवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो कैसे मिलेगी आपके पास, अपवर्ड मिलेगी, यानी कि ई इक्विटोरियल है वो ऑलवेज आपका डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो बच्चों ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपके पास। क्लियर है, आज तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके पास। अब देखो अपन ने एक्सियल लाइन का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, इक्विटोरियल लाइन का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, इन दोनों में अपन क्या कर सकते हैं, रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन क्या देख रहे हैं कि इनके बीच में रिलेशन देखेंगे कि इक्विटोरियल का एक्सियल का हाफ होता है या डबल होता है, इक्विटोरियल की एक्सियल से जो डायरेक्शन है वो सिमिलर होती है या अपोजिट होती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखो स्टूडेंट्स, अब तक अपन क्या निकाल चुके हैं कि आपका एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 kp/x³ होता है, ऐसे इक्विटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो -kp/x³ होता है, और पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो kq/x²x³ होता है। तो अगर आप इन तीनों को कंपेयर करो, तो पहले तो इन दोनों का कंपेरिजन देखो, इन दोनों के कंपेरिजन में यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से कैसा है, डबल है। तो आप कह सकते हो कि इक्विटोरियल और एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विटोरियल लाइन का क्या होता है, डबल। तो एक तो ये रिलेशनशिप याद रखना बच्चों, आप अगर इक्विटोरियल का गिवन हो तो एक्सियल का निकाल सकते हैं, और एक्सियल का गिवन हो तो इक्विटोरियल निकाल सकते हैं। पहले
पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, इन दोनों की डायरेक्शन देखोगे तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्लस है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है, माइनस। तो आप कह सकते हो कि एक्सियल पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के सिमिलर होता है, जबकि इक्विटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के क्या होता है, अपोजिट होता है। इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर मैंने डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे बनाई पी वेक्टर, तो आप लिखोगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका ऐसे होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे होगा। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये तो एक्सियल का होगा और ये आपका होगा इक्विटोरियल का। तो आपको ये लाइन भी याद रखनी है कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होता है डाइपोल मोमेंट के, और ये आपका कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तीसरा पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में कंपेरिजन आ रहा है। इन दोनों से तो आप लिख सकते हो कि जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के, और यहां देख सकते हो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका किसके, एक्स स्क्वायर के आपके पास। तो आप यहां से ये बोल सकते हो कि चाहे एक्सियल पॉइंट लिया जाए चाहे इक्विटोरियल पॉइंट लिया जाए, अगर आपके पास पॉइंट लार्ज डिस्टेंस पे है यानी कि एक्स ग्रेटर देन 2a है मोर देन, तो आप यहां से ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का वेरिएशन है वो पॉइंट चार्ज के सेम नहीं होता। तो आप कह सकते हो कि आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल का वेरिएशन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स की पावर 3 होता है और ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स की पावर 2 होता है। तो आप कह सकते हो कि जो डिक्रीमेंट होता है डायपोल के कारण किस डिस्टेंस के साथ वो सेम नहीं होता है, उससे ज्यादा डिक्रीमेंट होता है। तो आप यहां से कह सकते हो कि इट फॉल्स ऑफ मोर रैपिडली कंपेयर टू ड्यू टू सिंगल चार्ज, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो वेरिएशन आता है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण डिस्टेंस के साथ वो सिंगल चार्ज के वेरिएशन से ज्यादा होता है आपके पास। या आप यहां से कंपेयर करके देख सकते हो कि यहां एक्स की पावर 3 आ रही है, यहां एक्स की पावर 2 आ रही है। अब क्वेश्चन अपने पास ये आता है कि सर ये इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है, इन दोनों पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों आपको कि आपका एक्सियल का इक्विटोरियल का डबल होता है, एक्सियल पे डायरेक्शन सेम होती है, इक्विटोरियल पे डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपने ये तो कह दिया कि सर एक्सियल पे जो सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ वो पॉइंट चार्ज के सिमिलर नहीं है और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज मोर एज कंपेयर टू सिंगल चार्ज। इसका रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे आपके पास ये कोई एक डायपोल है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू और इसके सेंटर से मैंने ये लार्ज डिस्टेंस पे कोई पॉइंट कंसीडर किया, ये पी पॉइंट। तो अगर आप इस पी पॉइंट को देखोगे तो इस पी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे E1 एंड E2। E1 आपका प्लस का लिख रहे हैं, E2 किसका लिख रहे हैं, माइनस का लिख रहे हैं। तो आप यहां पे ये देख रहे हो कि इस P पॉइंट पर दो इक्वल चार्जेस बट अपोजिट इन नेचर है, वो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आपके पास क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। और कोइंसाइड हो रहा है तो आप ये कह सकते हो कि ये ऑलमोस्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एग्जैक्टली कैंसिल नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट कैंसिल करते हैं। ऑलमोस्ट का मीनिंग है कंप्लीटली कैंसिल ना होके क्या होता है, थोड़ा अमाउंट बच जाता है। तो आप कह सकते हो कि ये जितना बढ़ाएगा ये उतना ही क्या करेगा, उसको कैंसिल करने की कोशिश करेगा। इसलिए आपके पास इस पी पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको वो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन में क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि जैसे जैसे पॉइंट को दूर लेकर जाएंगे तो वैसे वैसे ये चार्ज वो क्या होंगे, आपको नियरेस्ट मिलते जाएंगे। और आप कहोगे कि आपके पास इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट एक दूसरे को कैंसिल करता जाएगा और कैंसिल करता जाएगा, तो डिक्रीमेंट है वो, यहां तो आपको ज्यादा मिलेगा डाइपोल में तो, और यहां आपके पास अगर देखोगे या तो प्लस होगा या माइनस होगा आपके पास, और ये पॉइंट लूंगा तो यहां केवल एक ही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जबकि यहां दो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिसमें एक आपका पॉजिटिव होता है दूसरा क्या होता है नेगेटिव होता है। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि फॉर ए डाइपोल डेट फ्रॉम डिस्टेंस पॉइंट ए डाइपोल लुक लाइक टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डेट ऑलमोस्ट कोइंसाइड, यानी कि आपके पास ये कैसे लगेगा कि इस पे पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होकर देखेगा तो ये तो दोनों चार्ज हैं वो इस तरीके से लगेंगे, एग्जैक्टली नहीं होते ऑलमोस्ट आपका ऐसे दिखाई देंगे। तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां पे आपको जो मिलेगा वो दो कॉन्साइड चार्ज का मिलेगा, जिसके कारण डिक्रीमेंट है वो क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा। तो बच्चों ये तीन पॉइंट थे किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड। पहला पॉइंट है कि इक्विटोरियल पे एक्सियल का हाफ होता है या एक्सियल पर इक्विटोरियल का डबल होता है। दूसरा एक्सियल पे डायरेक्शन है वो सिमिलर होती है जबकि इक्विटोरियल पे डायरेक्शन अपोजिट होती है। और तीसरा आप ये मेन पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है वो सेम नहीं होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में ज्यादा डिक्रीमेंट होता है और पॉइंट चार्ज के केस में क्या होता है कम डिक्रीमेंट होता है। उसका रीजन ये है कि आपका जो दूर खड़े हुए ऑब्जर्वर को ये जो डायपोल है वो एक इस तरीके से लगता है कि यहाँ पे आपके पास दो चार्ज हैं जो सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट नेचर के हैं और एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं कॉन्साइड हो रहे हैं आपके पास, जबकि ऑलमोस्ट लगता है एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं होता है, उनके बीच में थोड़ा गैप होता है, पर अपन को अगर ऑब्जर्वर डिस्टेंस पॉइंट पे है यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है तब उसको ये लगता है कि ये दो चार्ज हैं जो एक ही पॉइंट पे क्या हो रहे हैं कॉइंसाइड हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके पास जो डिक्रीमेंट है वो क्या देखने को मिलता है ज्यादा देखने को मिलता है। तो बच्चों ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अपन एक्सियल पे भी निकालेंगे, इक्विटोरियल पे भी निकालेंगे और एक जनरल पॉइंट पे भी निकालेंगे आपके पास। तो बच्चों इससे पहले आप रिवाइज करके आना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जिन बच्चों ने मेरा इनिशियल वीडियो नहीं देखा डायपोल का पहले वो डायपोल का वीडियो देखें फिर उसके बाद में इस वीडियो को देखें ताकि उनको किसी भी पॉइंट को समझने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बच्चे वीडियो देखने के बाद में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।